गाइस दिस इज मी मोहित सिंह फ्रॉम आई टी रोड की एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर न्यू कोर्स न्यू टॉपिक अटॉमिक स्ट्रक्चर इंट्रो वीडियो है ये इसमें मैं आपको कोर्स ओवरव्यू दूंगा कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर में फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ योर जेई मेन्स जेई एडवांस नीट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जामिनेशन ठीक है तो जो येल्लो हाईलाइटेड पार्ट आपको दिख रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट

उसके बाद हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट कैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई उसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ 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 कैथोड कैथोड रे रे कैसे बिहेव फॉर डिफरेंट टाइप सेटअप डिस्कवरी ये भी हम देखेंगे एनोड रे जिन्हें बोला जाता है उसकी वजह से डिस्कस हुआ था हमारा ये प्रोटोन का कंसेप्ट और उसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे ठीक है फिर जो हम पहला अटोमिक मॉडल जो पढ़ेंगे वो होगा थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल तो बेसिकली थॉमसन जो थे ना उन्होंने फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम दिया था और ये मॉडल सिर्फ एक चीज एक्सप्लेन कर पा रहा था जो कि है है एटम एटम की एक न्यूट्रल कैसे वो वो इसने एक्सप्लेन किया था बस खैर तो हम पढ़ेंगे आगे वाली वीडियो में उसके बाद हम देखेंगे रदर फोर्ड्स का फेमस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ठीक है इस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल दिया जो कि काफी हद तक सही था बट एक बेसिक क्लासिकल मकैनिक्स उसमें यू नो फॉलो नहीं कर रही थी ये जो मॉडल था थॉमसन सॉरी रदरफोर्ड का तो बेसिक क्लासिकल मकैनिक्स में उसमें फॉल्ट था एक सो दैट वॉज इट यू नो लिमिटेशन तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में हम देखेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच

और इलेक्ट्रोमैग्नेट रेडिएशन को समझेंगे फिर उसके बाद हम देखेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी तो एक्चुअल में बात करी जाए तो अटोमिक स्ट्रक्चर जो हमें अभी पता है वो क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड है और क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ फिजिक्स है बेसिकली दो ही पार्ट है फिजिक्स के क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स ठीक है तो ये दो ब्रांच है फिजिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है तो

तो हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसके लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज भी मिला था आपको पता होगा क्यों नोबेल प्राइज मिला था बिकॉज ही एक्सप्लेनोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिमिना थ्रू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ठीक है तो उसमें जो भी टर्म्स होती है हम देखेंगे पहले तो हम बेसिक्स पढ़ेंगे फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड अदर टर्म्स रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइक काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑफ इलेक्ट्रॉन वर्क फंक्शन मेटल एंड देन सी ग्राफ्स ऑफ प्रॉपर्टीज और टर्म्स दैट वी विल डिस्कस इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ठीक है उसके बाद हम देखेंगे बोज मॉडल ऑफ एटम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वैलिड होता है जैसे कि हाइड्रोजन हीलियम पॉजिटिव पॉजिटिव लिथियम टू खैर ये तो हम समझेंगे बहुत डेप्थ में इन द अपकमिंग वीडियो उसके बाद हम देखेंगे लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन जिसमें हम रेडबर्ग फॉर्मुला पढ़ेंगे उसके बाद डिब्रो हाइपोथिस जैसे कि मैंने बोला ये क्वांटम मैकेनिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये क्वांटम मैकेनिक्स तो इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे

तो एक आइडिया देता हूँ बेसिकली ये बोलता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम थोड़ा सा अप्सर्ड लगेगा पहली बार में सुनोगे बट आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड इन द वीडियो इन विच वील स्टडी स्पेसिफिकली अबाउट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम एक आइडिया देता हूँ ये बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक वेव है तो उसके पास एक वेव फंक्शन होगा जिसके बारे में वेव uh, फंक्शन होगा जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होगी इलेक्ट्रॉन की वो कहाँ है तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम बोलता है कि व्हेन व्हेन यू यू नॉट नॉट लुक लुक एट एट इट 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 व्हाट इज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को जब आप नहीं देख रहे हो देन इट बिहेव्स लाइक अ वेव इट हैज अ वेव फंक्शन बट व्हेन यू लुक एट इट यू ऑब्जर्व द इलेक्ट्रॉन द वेव फंक्शन कोलैप्सिस एंड इट बिकम्स अ पार्टिकल तो थोड़ा अपसर्ड है हम समझेंगे इसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आपको और इंटरेस्टिंग तरीके से सीखना है तो एक शॉन कैरोल

So, this was the overview of the course that we are starting from today onwards, and hopefully, you will be with me in this whole course and you will understand the whole atomic structure. So, yeah, that is it from this video. I'll see you in the next one. Till then, take care. Bye bye.